بسم الله चीजें हमारी
भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। कुर्बाने दिलों जानम क्या शान तुम्हारी है। I was asked by one of the top four journals in the world to write an article because it's coming up to the 10th anniversary of 9/11. And I chose to come to Pakistan, and I've lived and worked here for more than 10 years. So I thought I'd share what I'm writing in this article with you. Now, it's entitled Deja Vu at the Cusp of History. Deja, I'm fundamentally from Oxford. Deja Vu means it's all happened before. And what we're seeing in a broad sense here is what the Christians went through 600 years ago. Because remember, Islam was founded more than 600 years after Christianity. And why are we looking at the same thing? Because 600 years ago, the printing press got invented and people no longer accepted the dictates of the Catholic Church, the Christian Church. And that, of course, led to 300 years war, killing off half of South America, and all sorts of things, ultimately landing up with the rise of Western democracy, economic development, and the Industrial Revolution. मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो सदर मजलिस आज यहाँ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुज्तबा, इनके अजायम ये हैं कि वो एक एक पाई लाई जाए अंदर। लेकिन याद रखिए, कोई रानमा, रानमा किसका होता है? पीछे वो फोर्स होती है आवाम की। ये ताली दोनों हाथ से बजती है, रानमा को कुव्वत देती है आवाम, मुशावरत देती है आवाम। आप कितने रैलीज निकल चुकी हैं, कितने बिजली के बारे में, कितने महंगाई के बारे में, कुछ टस से मस हुए आपके रानमा जो अपने आप को कहलाते हैं, सारी चुसे मैं उनको रानमा कह ही नहीं सकता। वो तो आपको खाई की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं ज्यादा समा खराशी नहीं करना चाहता आपकी, और मैं सिर्फ इस बात पे कि आइए, ये आपके सब दाखिली खारजी सलामती के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन हम एक समत पकड़ें और प्रोपेगंडे से बचें, अफवाहों से बचें। हम जब फौज में शुरू में भर्ती होते, हमें पहली बात यह कही गई थी कि अफवाहें और प्रोपेगंडा दुश्मन किसी न किसी सूरत में करता रहे। लेकिन आज उसकी हैयत कुछ और बढ़ गई है, क्योंकि ना वो कन्वेंशनल ना अनकन्वेंशनल, रवायती या गैर रवायती जंग नहीं कर भी कर सकता, पे मुतमिल नहीं हो सकता। सो नफसियाती जंग का उसने सहारा लिया हुआ। अल्लाह आपका हामी व नासिर रहे, बहुत मशकूर हूं मैं। आपने सुना मुझे, मैं कोई माहिर नहीं हूं, लेकिन कुछ जो जिन चीज़ों पर नजर है, जो हकायक हैं, वो मैं आपके सामने बयान किए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौजिज़ ख़वातीन व हज़रात, यकीनन टाइम बहुत हो चला है और बड़ी मोहब्बत का ये बोझ आप लोगों ने और आपने बिलखुसूस मेरे ऊपर डाल दिया है। मुझे ये नहीं पता कि इस बोझ को मैं उठाने के लायक हूँ
इस काबिल हूँ कि इस बोझ को उठा सकूँ, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से एक दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखे और पाकिस्तान और इस्लाम के लिए अगर मेरी नीयतें साफ, एक साफ नीयत के साथ अगर मैं जस्तजू कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे। और ये टेस्ट होगा कि ये नीयत की पाकिजगी और तहारत है या नहीं है। जो निजाम हमारे यहां नाफिज है, जो सिस्टम हमारे यहां राइज है, उस निजाम के अंदर कितने अफराद इस हॉल में बैठे हैं और हाथ उठाकर मुझे ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर वोट दिए गए। मैं पाकिस्तान की कौमी असेंबली, पाकिस्तान के सबसे बड़ी कौमी असेंबली का हलका 1993 में उसे उम्मीदवार खुद था। पाकिस्तान के किसी भी इंतखाबात के अंदर मैंने वोट नहीं डाला, लेकिन अगर आप इंतखाबात की तारीख को उठाकर देखें तो आपको यह पता चलेगा कि पाकिस्तान का कोई ऐसा इंतखाब नहीं है जिसके अंदर मेरा वोट बैलेट बॉक्स के अंदर मौजूद नहीं था। मैं ये पूछता हूं कि जमहूरियत क्या इसे कहा जाता है जिसके अंदर मैंने वोट नहीं डाला और डब्बों के अंदर वोट निकले और उन वोटों के नतीजे में ऐवानों के अंदर पहुंचने वाले बबांगे दोहल ये कहते हैं कि वह जमहूरियत की नुमाइंदगी करते हैं। मैं उनसे यह पूछता हूं कि क्या यह जमहूरियत है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, मैं खुद भी हुकूमत का हिस्सा रहा हूं। काबीना की एक मीटिंग के अंदर मैं बैठा हुआ था और वजीर आला सिंध काबीना की सदारत कर रहे थे और पीपुल्स पार्टी के एक बहुत बड़े रहनुमा, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, उस वक्त मेरे साथ वजारत में मौजूद थे। वो बार बार अपनी कुर्सी से उछल रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि इस इलेक्शन के अंदर मैं सरकारी उम्मीदवार बनना चाहता हूं। मेरे बराबर में जो बाद में आईजी पुलिस हुआ एसएसपी जावेद इकबाल बैठा हुआ था और मैंने एसएसपी जावेद इकबाल से पूछा कि ये सरकारी उम्मीदवार किसे कहते हैं। वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। मैंने कहा, देखो मुझे अमेरिका से आए हुए 6 महीने हुए हैं, पाकिस्तान में निजाम बड़ा तब्दील हो चुका है। 1970s में जब हम यूनिवर्सिटी इलेक्शन कंटेस्ट किया करते थे, पाकिस्तान की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, पंजाब और कराची, और कराची यूनिवर्सिटी की आवाज पेशावर तक सुनी जाती थी। कराची यूनिवर्सिटी का सदर और जनरल सेक्रेटरी एमएनए से बड़ी अथॉरिटी रखा करता था। और यकीनन जब मैंने इलेक्शन जीता था तो उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने रात के 3 बजे मुझे फोन किया था। यह वो दौर था, मुझे इस जमहूरियत का पता नहीं था कि यहां सरकारी उम्मीदवार बना करते हैं। जावेद इकबाल ने हंसकर मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आप सरकारी उम्मीदवार का मतलब नहीं समझते। मैंने कहा, जावेद मैं नहीं समझता हूं। बोलने लगे, ये असॉर्टेड लिस्ट है जो ये बनाई जाएगी कि पार्टी ए के इतने लोग जीतेंगे, पार्टी बी के इतने जीतेंगे, पार्टी सी के इतने जीतेंगे और पार्टी डी के इतने जीतेंगे। इस असॉर्टेड लिस्ट में जिनका नाम होगा वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे और ये इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकारी उम्मीदवार बने। बताइए, इसका नाम जमहूरियत है? क्या इसका नाम जमहूरियत है कि आप में से 10 लोगों को अगर मैं ये दरखास्त करूं कि आप खड़े हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर जिस कौमी असेंबली के हलके से आपका ताल्लुक है उस कौमी असेंबली के मेंबर का नाम बताएं? नहीं पता होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंडीशन्ड डेमोक्रेसी बनाई है जिसमें यह कंट्रोल रोबोट की तरह कोई लंदन से बैठकर करता है, कोई उस दूसरे कैपिटल से बैठकर करता है और यह कंट्रोल डेमोक्रेसी चल रही होती है। अगर मैं आपको यह दावत देता हूं कि आप आइए और मेरी आवाज पे लब्बैक कहिए और मैं आपको रोड मैप देना चाहता हूं जो पाकिस्तान की तरक्की का रोड मैप हो, मैं वो रोड मैप देना चाहता हूं
जो पाकिस्तान को आलमी बिरादरी के अंदर एक मकाम दिलाता हो, और अगर वो सब कुछ रोड मैप की कहानी मैं आपको देता रहूं और हकायक से वाकिफ ही ना हूं। आप ये बताइए कि टीवी टॉक्स पे आप लोगों को देखते हैं और हर दूसरा लीडर झूठ बोल रहा होता है, एक पार्टी का लीडर दूसरी पार्टी पर इल्जाम और दूसरी पार्टी का लीडर तीसरी पार्टी पर इल्जाम, और मसाइल अपनी जगह वहीं के वहीं, और हुकूमत में सब के सब शामिल। ये बताइए कि अगर आप मसाइल नहीं हल कर सकते तो हुकूमत का हिस्सा क्यों बनते हैं? इस गुफ्तगू को मैं मजीद उस वक्त करूंगा जब सबसे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स पे आपसे बात करूं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न पे कर्नल बशीर साहब ने बड़ी गुफ्तगू की। कर्नल बशीर साहब ने एक तवील अरसा हुकूमत फौज के अंदर गुजारा और फौज की तमाम डिफेंस मैकेनिज्म से वाकिफ हैं, लेकिन मैं उससे आगे गुफ्तगू को बढ़ाऊंगा। मुझे ये बताइए कि पीएनएस मेहरान में इंट्रूडर्स अंदर आए, इंट्रूडर्स ने पाकिस्तान की नेवी के 80% सर्वेलेंस और रिकॉनसेंस को डैमेज कर दिया। पाकिस्तान नेवी ब्लाइंड हो गई है, 80% अंधी हो चुकी है पाकिस्तान की नेवी सर्वेलेंस के अंदर। पाकिस्तान नेवी अंडर वाटर मूवमेंट्स को नहीं देख सकती है, उसकी मेजर सलाहियत खत्म हो गई है। ये मुझे बताएं कि जब स्क्रीन पे आके और टीवी पे आके नुमाइंदे ये कहते हैं कि ये काम तालिबान ने किया, तो आपके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि किन किन चीज़ों का इल्ज़ाम आप तालिबान पे लगाने जा रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं कि तालिबान को कोई अच्छा समझता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आवाम तालिबान की ताईद करती है। मैं आपको वाकया बताता हूँ। मेरी बेटी की शादी हो रही थी और मैंने अपने अमेरिकन दोस्तों को पाकिस्तान बुलाया, और अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का सदर मेरे पास आया और मैंने कहा कि लुक हाउ मेनी गेस्ट आर हियर, उसने कहा मोर देन 2000, मैं अमंग्स दोज 2000 गेस्ट सिटिंग हियर कैन यू पॉइंट आउट अ सिंगल तालिबान एंड अ सिंगल अलकायदा इन दीज गेस्ट, If you do that, we will accept what the international media claims about Taliban's movement and Al-Qaeda movement in Pakistan. Maine kaha, you can walk around, you can see it. Usne kaha, you know what, doctor? When I was coming to Karachi, my mom said to me, don't go to Karachi. Who told you to go there? And I said, no, I know Dr. Mishtaba. He knows what he's doing. And I will be in the safe hands. I said, it's not only a question of being in the safe hands. The question is that do you find terrorists here in the ranks and files? Amongst the guests, do you find anyone who is Al-Qaeda or Taliban? And let me tell you, to the international media and to those perpetrators who portray the image of Pakistan as the land of terrorists, as the land of Taliban, as the land of Al-Qaeda, please raise your hands. आप सब अपने हाथ उठाकर बताइए कि आप में से कोई तालिबान नहीं है, और टीवी कैमरा पर देखने वाले 5 करोड़ अवाम इसको देखें और इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को देखे कि इस महफिल में एक भी तालिबान और अलकायदा नहीं है। हाथ उठा के बताइए सब। You can see it and watch it on the camera. To the international media, to the State Department, to the British Foreign Office, and to the European Parliament, that we have no Taliban and no Al-Qaeda. If we do not have Taliban, if we do not have Al-Qaeda in our ranks and files, then how the hell our own Interior Ministry comes in and claims that this is the work of Taliban?
My question is that when Manmohan Singh, in his address in Tanzania, says that this for the nuclear assets of Pakistan is in the irresponsible hands, Pakistan don't have the responsibility to keep the nukes. Mr. Manmohan Singh, watch my audience. There is no one who is irresponsible in Pakistan. It is the brainchild of your intelligence agencies who have penetrated into Pakistan, who have perpetrated into Pakistan, and who are trying to portray Pakistan's image as an irresponsible nation. And I feel ashamed that my own people, my spokesman in the Foreign Office, my spokesman in the Ministry of Interior, do not have the guts to respond to Mr. Manmohan Singh. Even the statement has gone for the last 48 hours. I feel ashamed that there's no one to raise his voice against Manmohan Singh. I don't find anyone to respond to the Indian Home Minister Chidambaram, and I don't foresee anyone responding to the Indian National Security Advisor Shiv Menon. Why is that? What is the problem with the Pakistan's Junta not responding to the calls of the Indians, not portraying the Indians as the terrorists who have damaged the image of Pakistan? It's a well-planned activity on the part of Indian Junta and Indian intelligence agencies to damage Pakistan. इससे आगे मैं आपको बताऊं, जब एक बम धमाका होता है तो बड़ी तेजी से कहा जाता है ये अमेरिका ने कर दिया। जब कोई तखरीबकारी होती है तो कहा जाता है अमेरिका ने कर दिया। जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है तो कहा जाता है अमेरिका ने कर दिया। मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, एक टेररिस्ट का नाम बताइए जिसने ये ना कहा हो कि उसको हिंदुस्तान में ट्रेनिंग नहीं मिली। फिर इसकी क्या वजह है कि आप अमेरिका का नाम लेते हैं और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं? ये बिल्कुल वही चीज है जो मनमोहन सिंह ने तंजानिया में कही कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहने चाहिए, अमेरिका को पाकिस्तान से ताल्लुकात तोड़ना चाहिए। लेकिन मैं मनमोहन सिंह को जवाब देता हूं, मैं ने भी अपनी जिंदगी का 30 साल अमेरिका में गुजारा है और उन मुसलमानों से में से हूं, उन पाकिस्तानियों में से हूं जो विकिपीडिया के टॉप 30 पाकिस्तानीज अमेरिका में हैं, जो विकिपीडिया के लिस्ट में टॉप 30 मुस्लिम अमेरिकन हैं। और मैं आपको यह बताता चलूं कि मैं इस साजिश को, जो हिंदू साजिश और ज़ायनिस्ट साजिश मुसलमानों को अमेरिका की तरफ, जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, मैं इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं अमेरिका की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डॉक्टर हेनरी किसिंगर के साथ बैठता हूं, मैं अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एन पेरी के साथ बैठता हूं, और मैं अमेरिकन मिशन प्रिपरेशंस कमेटी, अमेरिकन फॉरेन ऑफिस, अमेरिकन फॉरेन रिलेशंस कमेटी, जॉन कैरी से लेकर हर आदमी को उनकी जबान बोल सकता हूं। और मैं ये बता सकता हूं कि लुक, दिस इज एब्सोल्युटली रविश, अनएक्सेप्टेबल। मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, इट्स अ गेम प्लान, अ कॉन्स्पिरेसी of the Zionist and the Hindu lobby to damage Muslim interests. And we have 2 million Muslims sitting in the United States. We have 15% of American population as Muslims. We have our stakes in the United States as well. We would not let you do that.
वी वुड नॉट लेट योर कॉन्स्पिरेसी सक्सीड एंड लेट मी टेल यू, इस सारी गुफ्तगू के बाद यह बहुत आसान होगा हिंदुस्तानी एजेंट्स को यह कहने के लिए कि डॉक्टर मुश्तबा साहब अमेरिका के एजेंट हैं। यह बड़ा आसान सा जुमला होगा और उनको भी जवाब में दे देता हूं। मेरे दोस्तों, मैंने एक डिग्री नहीं ली, दो डिग्री नहीं ली, तीन डिग्री नहीं ली, मैंने तीन डॉक्टरेट्स की डिग्री ली है। अमेरिका के अंदर मैं 5 लाख US डॉलर्स पे टैक्स अदा करता हूं सालाना। अमेरिका का सदर 2.5 लाख डॉलर टैक्स अदा करता है। आई बिलोंग टू द टॉप 1% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन। अगर मुझे CIA का एजेंट और अमेरिका का एजेंट बनाना है तो 10 लाख देकर खरीदना होगा अगर मैं अपने जमीर का सौदा करना चाहूं, और $10 लाख मुझे सालाना अदा करना होगा। मैं अपने दौर का सबसे प्रोमिनेंट फिगर था, और आज किसी साबिक फेडरल मिनिस्टर ने जो 70s की कैबिनेट में रहा, उसने कहा जी डॉक्टर साहब तो बड़े मशहूर आदमी थे, ये फिर आ गए, अब कराची शायद बचता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको यह पैगाम दे दूं, कराची नहीं पूरा पाकिस्तान बचेगा। जो कुछ कमांडो एक्शन पे हुआ उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करूंगा। 1979 में मैं सऊदी अरब में था और बड़ी गहरी नींद सो रहा था फजर के बाद, मक्का मुकर्रमा में था, और मेरे एक सबॉर्डिनेट ने आके दस्तखत दी और कहने लगा कि डॉक्टर साहब बाहर निकलिए। मैंने कहा क्या हुआ? पता लगा हरम के ऊपर कब्जा हो गया और खाने काबा सील कर दिया गया। मैं बड़ा परेशान। ये वो वक्त था जब मोहम्मद बिन कहतानी ने खाने काबा पे कब्जा किया और बड़ी गोलियां चली। काफ़ी घंटों तक ये सिलसिला जारी रहा। दो चीज़ें हुई, और बड़े गौर से सुनिएगा क्या दो चीज़ हुई। पहली चीज, पाकिस्तानी अवाम के अंदर ये बात उड़ा दी गई कि खाने काबा पे अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने इज़राइल के साथ कब्जा कर लिया है, और उसके नतीजे में बहुत बड़ा जुलूस निकला और अमेरिकन एम्बेसी को जला दिया गया। ये बात 1979 की है। और दूसरी चीज, पाकिस्तानी कमांडोज ने खाने काबा के अंदर एक्शन लिया और पाकिस्तानी कमांडोज ने चंद घंटों के अंदर खाने काबा की हॉस्टेज सिचुएशन को कामयाबी से हासिल कर लिया। ये पाकिस्तानी कमांडोज का कमाल था, और पाकिस्तानी दाखली पॉलिसी का कमाल यह था कि अमेरिकन एम्बेसी को जला दिया गया। अब आप मुझे यह बताइए आज की तारीख में कि क्या अमेरिका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी के साथ खाना काबा के अंदर शरीक था? नहीं था। यह साजिश हुई पाकिस्तान के अंदर, और यह साजिश भी उसी साजिश का हिस्सा है जो आज हो रही है कि अमेरिका को लेबल करो और अमेरिका को बदनाम करो, पाकिस्तान अमेरिका की जंग कराओ और हिंदुस्तान बैठकर तमाशा देखेगा और हिंदुस्तान को फतुहात घर बैठे मिल जाएंगी, पाकिस्तान की तबाही हो जाएगी। मिस्टर मनमोहन सिंह, वी आर नॉट दैट फूल्स। हमारे अवाम के अंदर बहुत से लीडर बैठे हुए फूल्स हैं जो अवाम के जज्बात से खेलना चाहते हैं कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के खिलाफ बोलोगे तो वोट मिलेंगे, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के खिलाफ बोलोगे अवाम की राय आम्मा साथ चलेगी। ऐसा नहीं है। हमारी अवाम को असल हकीकत बताओ कि 1979 के अंदर जो खाना काबा के अंदर ऑपरेशन हुआ था, दैट वॉज नॉट डन बाई द अमेरिकन, इट वॉज अ रॉन्ग परसेप्शन। द अमेरिकन एम्बेसी वॉज बर्नड ऑन अ रॉन्ग परसेप्शन, एंड दोज लीडर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग द अमेरिकन एम्बेसी एंड डैमेजिंग पाकिस्तान इंटरेस्ट विद द यूनाइटेड स्टेट्स should be held responsible for this irresponsible act. And today, when you do not have evidence that the internal security is under threat from the United States,
those leaders who claim to do that for their support in the masses, they should be held responsible for such irresponsible acts. हाँ, पाकिस्तान की आवाम को कहां पर एतराज है? ड्रोन अटैक्स जो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, जिससे हमारे मासूम बच्चे मारे जाते हैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एज ए पाकिस्तानी. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एज ए मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द अमेरिकन सिक्योरिटी काउंसिल. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एज ए सीनियर लीडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. एंड आई हैव द गट्स टू से दैट बिफोर द अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन. आई एम नॉट लाइक दोज लीडर्स हु सिट ऑन द बैक एंड टेल द अमेरिकन एम्बेसडर दैट यू कैन गो फॉर ड्रोन अटैक्स एंड वी डू नॉट केयर. वी डू केयर. हमारे लोगों का खून या इंसानियत का कहीं पे भी खून, इसकी इजाजत दुनिया के किसी कानून में नहीं है. और दहशतगर्दी को रोकने का कतई ये तरीका नहीं है. इससे मजीद दहशतगर्दी बढ़ेगी जब अवाम ये देखेगी कि मासूम बच्चे मारे जाते हैं ड्रोन अटैक्स में, जब अवाम ये देखेगी कि अमेरिकन व्हाइट हाउस में बैठने वाला सदर जो हमारा ही है हम में से ही है, ही हैज टू टेक स्टेप्स. ओबामा अमेरिका की तारीख के अंदर पहला सदर आया है जिसका नाम बराक हुसैन ओबामा है. ये मुसलमान नाम है. इससे कतई नजर कि वो क्रिश्चियनिटी फेथ पे चल रहा है. उसकी रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो मुसलमान बाप का है. उसके बाप के अंदर जो खून दौड़ रहा था वो मुसलमान का था. उसके बाप के अंदर जो खून दौड़ रहा था वो भी मुसलमान का था. उसकी दादी जो इस साल हज पर गई वो भी मुसलमान थी. आपको क्या पता कि वो मुसलमानों से, आपको क्या पता कि ज़ायनिस्ट लॉबी उसको अमेरिका के इंतखाबात में हराने की कितनी कोशिश कर रही है. आपको क्या पता कि वो फलस्तीनियों से कितनी हमदर्दी रखता है. आपको क्या पता कि उसके लिए ये आसान नहीं था टू टॉक अबाउट अ टू स्टेट लिविंग साइड बाय साइड एट पीस, ब्रिंगिंग द इजरायली गवर्नमेंट एंड इजरायली फोर्सेस टू द 1967 बॉर्डर्स. यस, मैं जानता हूं कि उसने स्टेटमेंट से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि 2012 में उसे इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन उसे जीतना है. और तमाम मुसलमानों की दुआएं सदर ओबामा के साथ हैं कि 2012 के अंदर इंतखाबात में अल्लाह ताला इसे कामयाबी दे. अमेरिका एक दूसरे दहाने पर चल रहा होगा और इंडियन लॉबी पूरी कोशिश करेगी कि मुसलमानों को, और ज़ायनिस्ट लॉबी पूरी कोशिश करेगी कि मुसलमानों को कोलाइड किया जाए ओबामा से. और पाकिस्तान के उन तमाम सियासी और मजहबी रहनुमाओं से मैं ये गुजारिश करूंगा कि सुलहनामे हुदैबिया को याद कीजिए. मक्का फतह इतने आराम से नहीं हुआ था. मक्के की फतह हासिल करने के लिए बड़ी स्ट्रेटजीज बनाई गई थी. और आज का वो एक्सट्रीमिस्ट जो इन बातों पे कुफर का फतवा देता है, अगर उस दौर में होता तो नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी कोई रिमार्क्स पास कर देता. मैं आपको एक सच्चे वफादार मुसलमान पाकिस्तानी की हैसियत से ये बात बता रहा हूं. और ये याद रखिए कि मैं उस बाप का बेटा हूं जो तवाफ काबा करते हुए इंतकाल किया. मैं उस बाप का बेटा हूं जो मक्के में जन्नतुल माला में दफन है. मैं इस कसम का सौदा नहीं करूंगा. यह मेरा वादा अपने अल्लाह से है. और मैं अपने कौम को रहनुमाई वो दूंगा जिसमें वोट
कि गिनती नहीं की जाएगी जिसमें उसूलों की बात की जाएगी। मैं बड़ी तालियां बजवा सकता हूं यहां पर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स को कहकर, लेकिन यह पाकिस्तान का मफाद नहीं है। मैं बड़ी तालियां बजवा सकता हूं, मुझे वो सारा आर्ट आता है तालियां बजवाने का, जलसों में को रुलाने का, जलसों को हंसाने का, जलसों को उठाकर एक साइड से दूसरी तरफ फेंकने का, ये सारा तरीका मुझे आता है। मैं उन जज्बात से आपके नहीं खेलना चाहता हूं, मैं आपको वो तल्ख हकीकत बताना चाहता हूं जिस पे पाकिस्तान की तरक्की मकसूद है। आइए मैं आपको बताऊं कि इसका सलूशन क्या है। जैसा कि कर्नल साहब ने अभी कहा, इसका सलूशन यह है कि स्विस बैंक का डायरेक्टर यह कहता है कि 1400 बिलियन रुपीज तकरीबन डॉलर्स, 140 बिलियन डॉलर्स स्विस अकाउंट्स के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के। मैं डिमांड करता हूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस शुड ब्रिंग दिस मनी वॉलंटरिली टू सर्व द नेशनल इंटरेस्ट, प्रूव देयर लॉयल्टीज टू पाकिस्तान, प्रूव देयर पैट्रियोटिज्म टू पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से मुखातिब हूं और मैं ये जानता हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम टीवी पर, यहां पर बेशक 500 600 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, लेकिन जो सामने पाकिस्तानी अवाम मुझे देख रही है, कुछ नहीं तो 5 करोड़ लोग देख रहे हैं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी फौज के अंदर कैंसर नहीं है, पाकिस्तानी फौज बीमार नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने सऊदी अरब में अपनी कामयाब ऑपरेशन की, पैन एम फ्लाइट 1986 के अंदर पाकिस्तानी कमांडोज ने उस पे ऑपरेशन किया, 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट में मुजीब रहमान को गिरफ्तार किया गया, बॉस्निया, सियरा लियोन और सोमालिया के अंदर पाकिस्तानी कमांडोज ने कामयाब ऑपरेशन किया, पाकिस्तानी ऑपरेशंस ने ब्लैक थंडरस्टॉर्म ऑपरेशन किया, पाकिस्तानी कमांडोज ने हलवाड़ा और आदमपुर और पठानकोट के अंदर कामयाब ऑपरेशन 1965 वॉर के अंदर किया, पाकिस्तानी कमांडोज ने उन एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया, और पाकिस्तानी कमांडोज की एक तवील लिस्ट है जो कारगिल और सियाचिन के अंदर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी कमांडोज, पाकिस्तानी आर्मी के कमांडोज के 10 बटालियंस हैं और इन 10 बटालियंस में से बटालियन नंबर 7 जो एंटी टेररिज्म के लिए है, जिसका नाम जर्रार बटालियन है, जर्रार बटालियन को पाकिस्तान के नेवल बेस मेहरान के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जर्रार बटालियन को पाकिस्तान नेवल बेस में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया और किसने ये ऑर्डर्स दिए कि इनको रोका जाए, और किस तरह यह मुमकिन हो सका कि 6 या 10 अफराद कामयाबी से भागने में कामयाब हुए। हाथ उठाकर आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर वो सियासतदान जो सियासत का सहारा लेकर दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिलखसूस कराची के अंदर, क्या आप इस दहशतगर्दी को कराची में महसूस करते हैं? हाथ उठाकर बताइए, सच बताइए। 100% लोग जो इस ऑडियंस में बैठे हैं वो समझते हैं कि कराची हैज बिकम अ हॉस्टेज टू टेररिस्ट एक्टिविटी, और अगर कराची हॉस्टेज टेररिस्ट एक्टिविटी का बना है, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आई वॉन्ट यू टू सी दिस ऑडियंस इन कराची टुनाइट विद अ कंसेंसस व्यू दैट दे हैव बिकम हॉस्टेज टू टेररिस्ट एक्टिविटीज इन कराची, एंड वट एवर यू सी टुनाइट, आई नो दिस ऑगस्ट कोर्ट टेक्स अ सोमोटो एक्शन अगेंस्ट एनी क्राइम, against any breakup in the rule of law, against any violation of rule of law, and here I give you evidence of 100% of the citizens sitting here that there is a violation of law in this city, and there are people
who have taken the host the city as their hostage. You should, my advice to you and my request to the Chief Justice of Pakistan to take some more action and find out Pakistan ki intelligence agencies ko, Pakistan ki fauj ko, ye baat bada clear cut main kehta hoon ki aapke paas do cheezon ka mandate hai. To defend the geographical boundaries of Pakistan and to defend the internal security of Pakistan. Main aapse ye puchna chahta hoon ki hamari spy agencies ke andar major functioning 30% role of the major intelligence agency and the budgets to the major intelligence agencies are to secure the internal security of Pakistan. Is that security delivered to this nation? Is this security delivered to these people sitting here in this audience? Are the people in Karachi feel safe to express their opinion independently, or they are hostage to the situation where they cannot express their opinion independently? And if this is so, it means there is a state within a state, and that state within a state is not acceptable to the people of Pakistan, is not acceptable to the citizens of Pakistan. And I must tell you that enough is enough. You should take a bold step to secure the life and the security of the people of Pakistan. मैं आपको यह बताऊं कि आज मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं ये बातें कर रहा हूं. मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ये बात नहीं कीजिएगा, इतना खुलकर ना बोलिएगा. अगर मैं ये खुलकर ना बोलूं तो मुझे उस कराची के लीडर का नाम बताइए, उस पाकिस्तान के लीडर का नाम बताइए जो खड़ा होकर हक बोलता हो. खुदा रा, कुछ तो सच बोलना सीखो, कुछ तो मुल्क से वफादारी करो. कहीं पर तो इस कौम ने जो तुम पर खर्च किया है, ऐवानों में पहुंचाया है, उसका हक अदा करो. कहीं पर तो मुसलमान होने की हैसियत से अपना हक अदा करो. कहीं पर तो सच बोलो. कब तक इस कौम को डर और खौफ के अंदर रखोगे? कब तक तुम आवाज नहीं उठा सकोगे? और किसी ने आज बात बड़ी अच्छी कही कि अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान आती हैं, पाकिस्तान को कोई वजीर खारजा नहीं. अमेरिकन डिफेंस टीम पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर नहीं. ये कौन सा निजाम चल रहा है? कोई पाकिस्तान के अंदर चेक एंड बैलेंस है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान का पुरसाने हाल इस वक्त कोई है? अगर नहीं है तो हाथ उठा के बताइए आप कि पाकिस्तान का पुरसाने हाल ही कोई नहीं है इस वक्त. सबके हाथ देखना चाहता हूं मैं, कैमरे पे दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान का पुरसाने हाल इस वक्त आवाम समझती है कोई नहीं है. अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान को किस नहज पे आप ले जा रहे हैं? इसका सिर्फ एक हल है, मोहतरम जनरल क्यानी साहब, बड़े बाद अब तरीके से मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि पाकिस्तान का पुरसाने हाल बन जाइए. और मैं कोर कमांडर से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी पुरसाने हाल बनिए. खुदा रा पाकिस्तान को बचाइए. इतनी दौलत लुट चुकी है कि एक आदमी, एक बच्चा मेरा जब नौकरी के लिए जाता है तो उसके बाप को लाखों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है तो नौकरी मिलता है. पाकिस्तान की वाहिद इंस्टीट्यूशन जहां पे पैसे पे नौकरी नहीं मिलती है या सिफारिश पे नहीं मिलती है, आप बताइए उसका नाम क्या है? पाकिस्तान के उस अदारे का नाम बताइए जहां पे रिश्वत के बगैर नौकरी मिलती है. एक अदारा है, नाम बताइए, जोर से बोलिए. पाकिस्तान की फौज. मर्द बनिए, हौसला रखिए. जब तक हौसला आपके अंदर नहीं आएगा, इस कौम की तकदीर कोई बाहर से आके नहीं बदलेगा. अब आइए मैं इस जगह के तवस्सुत से एक आखिरी बात आपसे करूं. अगर इंतखाबात नहीं होते हैं, जिसकी उम्मीद
99% मैं कर रहा हूं। अगर इंतखाबात नहीं होते हैं यकीनन मैं फिर भी आपके दरमियान मौजूद रहूंगा। तो आप यकीन कीजिए मैं आपसे एक वादा करता हूं, वो सियासतदान जिन्होंने पाकिस्तान के 140 अरब डॉलर्स बाहर की बैंक्स में रखे हुए हैं, सारे एग्जिट पॉइंट्स पे मैं इनको ईसीएल लिस्ट से बाहर नहीं निकलने दूंगा। एंड दैट इज माय लास्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू टुनाइट। थैंक यू।